नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे कि मैं जो भी नया अपडेट चैनल पर लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आवास फ्लस से रिलेटेड। तो आप लोग आवास में किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। कौन कौन सी आपको इधर से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या उसकी पात्रता रहेगी, किन किन बेनिफिशरीज को इसका लाभ मिलेगा, आप इसको सेल्फ से जो है अपडेट कर पाएंगे या आपको किसी स्पेशल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप अपने ग्राम पंचायत सचिव के थ्रू इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो ये जो सारा इसका प्रोसेस है, इसका जो सारा मेथड है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो शायद वीडियो का कुछ प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको क्लियर समझ में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो में जो है आपको सारा कुछ क्लियर कर देने वाला हूं, तो अगर आप लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, पोर्टल की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इसमें किस तरीके से वर्क कर पाएंगे वो सारा कुछ मेथड आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर, बताते हैं कि आगे का प्रोसेस आपको किस तरीके से कम्प्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इधर से मैंने जैसे ही इसको ओपन कर लिया है कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे आपको लेके आ गया हूं, तो मैं इधर से जो आवास प्लस का जो मेरा पोर्टल है या जो आवास प्लस की जो वेबसाइट है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको कर लेता हूं इधर से ओपन। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरा खुल के सामने आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको यहाँ से चेकमार्क करके दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है, क्या क्लिक करना है। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, इधर से मैंने अंडरलाइन कर लिया है आवास सॉफ्ट, तो सिंपली आपको आवास सॉफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप आवास सॉफ्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट का, तो सिंपली आपको रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे तो थोड़े टाइम पर इधर से प्रोसेसिंग लेगा। फ्रेंड, प्रोसेसिंग लेने का भी एक रीज़न है मेरे पास कि एक्चुअली मेरे इधर गाँव में कोई टावर नहीं है, तो थोड़ा सा नेट से मेरा स्लो चलता है, तो इस वजह से कुछ ऐसा इस तरीके का आता है। तो फ्रेंड, फाइनली मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे नंबर पे क्लिक कर लेना है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में, हाउस प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो फ्रेंड, आप इधर से किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और किसी भी ग्राम पंचायत का आप इधर से देख सकते हैं आवास की लिस्ट। तो ऑल स्टेट पर क्लिक करके आपकी जो भी स्टेट है आपको सिंपली वो स्टेट इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं इधर से अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ आप देख पा रहे होंगे, थोड़े टाइम के लिए प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक का, तो इधर से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा निवारी ब्लॉक लगता है तो मैं निवारी ब्लॉक सेलेक्ट कर लूँगा। जस्ट उसी के बाद एक ऑप्शन आएगा ग्राम पंचायत का, तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत इधर से लगती है तो आपको वो अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद एक नीचे की तरफ आप देख पाएंगे कैप्चा दिया गया है 29+30, तो इसको आपको ऐड करके दोनों को इकट्ठा लिख देना है, दोनों को ऐड करके जो भी आंसर इसका इस बॉक्स में आपको लिख देना है और सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जैसे ही आप सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आपके आ जाएगा। तो ये जो आवास की लिस्ट है, तो ये आवास की लिस्ट है, आप देख ही रहे हैं ये आवास की लिस्ट आपके सामने खुल के आ गई है। तो अब जिसका भी आपको, जिस बेनिफिशियरी या जिस पर्सन का भी आपको, जिस कैंडिडेट का आपको इधर से आवास में नाम देखना है, तो आप इधर से उसका नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इधर पे ये विलेज का नेम है, और दूसरे नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद बेनिफिशरीज नेम, उसके बाद बेनिफिशरीज फादर नेम, उसके बाद हाउस अलॉटेड टू, क्या है, मैन है, वोमेन है, क्या है, तो वो सारा कुछ इधर से आपको क्लियर में दिखा देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, एक्चुअली मैं इसको आपको दोबारा से शुरुआत से इसको समझा देता हूँ कि क्या आपका ये प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको लिस्ट देखनी है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने इधर से आपको लिस्ट खोलने की जानकारी दे दी है, उसके बाद यहाँ से आप देख पाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा कुछ दिया गया है इधर से, तो आप चेक कर पाएंगे इसके लिए अमाउंट कितना अलॉट हुआ है। तो 1,20,000 का है, कितनी किस्तें इसकी आएँगी आपकी, 3 किस्तें आएँगी, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है आपको वो सारा कुछ दिया जाएगा। जिस पर्सन के भी आवास बन जाएंगे
तो उसका भी इधर से शो होगा, और जिसका भी बना नहीं है, जिसका नया नया आया है, तो वो भी इधर से चेक कर सकता है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको अप्लाई किस तरीके से करना है और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा आईडी जिससे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन ये प्रोसेस होता है या नहीं। तो आपको फिर से आवास सॉफ्टवेयर क्लिक कर लेना है और डाटा एंट्री पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही ये फ्रेंड आप डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे तो कुछ इसमें एक नया तरीके का इंटरफेस जो है खुल के आपके सामने शो हो जाएगा। तो आप इधर से देख पा रहे होंगे MIS डाटा एंट्री, और इसकी लिंक नीचे की तरफ दी भी गई है, लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। और बात हम कर लेते हैं सेकंड नंबर वाले की, तो सेकंड नंबर पे दिया गया है FTO डाटा एंट्री वेरीफाई मोबाइल फ़ोटो। तो जो कैंडिडेट का मोबाइल वेरीफाई होता है और उसका फ़ोटो, उसकी आइडेंटिटी यहाँ से वेरीफाई की जाती है, इसकी भी लिंक नीचे दी गई है, और लॉगिन का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो आपको सिंपली ये डाटा एंट्री वाला ऑप्शन दिया गया है, तो आवास प्लस में इसको ऐड करने के लिए डाटा एंट्री फॉर आवास प्लस, तो इसी से आपका नाम जो है वो लिस्ट में ऐड किया जाता है। और यह आईडी जो होती है ग्राम पंचायत सचिव के पास होती है और जिला पंचायत सचिव के पास ही अवेलेबल है। तो इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, केवल MP के लिए, बाकी स्टेटों का शायद इसका ऑनलाइन प्रोसेस है। तो आप यहाँ से ग्राम पंचायत सचिव या जिला पंचायत सचिव के थ्रू इसमें अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।